अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इस मोहल्ले में एक हफ्ते में दो डकैतियां हो चुकी हैं। हैं किस पे गई हैं? ओ माँ जी, दो डकैतियां हुई हैं, दो बेटियां नहीं हुई। अच्छा। हाँ, एक औरत है जो नौकरानी बनकर घरों में दाखिल होती है और फिर रातों रात घर का सारा सामान लूट के फरार हो जाती है। ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। आप लोग ख्याल रखिएगा। हम तो बहुत ख्याल रख रहे हैं भट्ट साहब। हाँ, मैं तो हलवा पूरी भी लेके आया हूँ। क्या आइए भट्ट साहब, आइए, ऐसे ही घबरा जाती है खवातीन। बैठे 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 बैठे। आप लोगों के घर में कोई नई नौकरानी आई है क्या? भट्ट साहब, लेकिन वो तो हमारी खानदानी मुलाजमा है, बरसों से हमारे घर पे काम कर रही है। कहाँ है वो? मैं बुलाता हूँ। शकीला, शकीला। महमूद साहब, शीला, शीला, शीला। मुझे लगता है वो नहा रही है। मैं देखता हूँ। नहीं, मैं देखता हूँ। महमूद साहब, मैं भी देख सकता हूँ यार। अरे भाई, मैं देख लेता हूँ ना। मुझसे पूछो, मैं भी देख सकता हूँ। आप ठहरे ना, पहले हम दोनों को देख लेने दें। अरे कौन मुदस्सर नहीं है? आप मुदस्सर? लेकिन मैं तो हूँ। अरे अंदर कमरे में मेरे कड़े नहीं है। क्या? हाँ नबील, मेरे भी नहीं है। नहीं जानू, मैं तुम्हारा ही हूँ। अरे अंदर मेरा सामान भी गायब है। क्या? इसका मतलब है कि वो लड़की आप लोगों को भी चूना लगा गई। वो लड़की ऐसी नहीं थी, काफी अच्छे घर की थी। आपने कॉफी कब पी? अरे उसको ढूंढो, मेरे बैग से 3,000 रुपए भी ले गई है और वो बगैरत मेरी जराबों में से 2,000 रुपए निकाल के ले गई है।